बस की करां तेरे ते मरां कहण तो डर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे इंट्रो में आप देख ही चुके होंगे दस द की करा, ये सॉन्ग स्टेटस लगाना है इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, तो इस तरीके से एडिट करना है इसको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। काइन मास्टर हमने ओपन करके रखा हुआ है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 4.5 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। मीडिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फ़ोटो पर जाएंगे। फ़ोटो पर जाने के बाद में यहाँ से हमें फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फोटो का सिलेक्शन हमें जो है कर लेना है। इस तरीके से हमने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना, पैन एंड जूम करके इनको बराबर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सब फोटो को एडजस्ट कर लेते हैं एक एक करके। इस तरीके से इन सबको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से एडजस्ट हो गया। उसके बाद में दोस्तों हमें क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे शेक इट वाले को, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम सबको भी ऐड कर लेते हैं। सब पे हमें ऐड कर लेना है। इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको हम। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है लाइट ग्लो वाला। लाइट ग्लो को हम ऑप्शन कर लेते हैं। एज ए स्टोर में जाके इसको आप डाउनलोड कर लेना है। इसको हम फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड तक सिलेक्ट करेंगे। सब में ऐड कर लेते हैं इनको बारी बारी से। इस तरीके से मैं ऐड कर लेता हूँ। सब फोटो को सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड होने के बाद में दोस्तों इसको हम ऐड होने के बाद में दोस्तों इसको ऐड हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है, ये देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इनको छोटा कर लेना है इस तरीके से। फर्स्ट लेयर को और थर्ड लेयर को जो हमें स्मॉल कर लेना है। प्ले करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये प्ले होते दिखाई देगा। तो दोस्तों इसको हम कर लेंगे एक्सपर्ट अपनी गैलरी के अंदर। एक्सपर्ट होने के बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं बैक, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, 9.16 का रेशियो लेंगे। यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे, फोटो पे आएंगे, यहाँ से मैं ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा। उसके बाद दोस्तों लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, मुझे इंस्टाग्राम वाला जो फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया था, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा इसको कैसे एडिट करना है। उसके बाद दोस्तों इसका क्रोमा की निकाल लेते हैं, इनेबल कर देंगे तो ये जो है क्रोमा की इनेबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे, जो हमने वीडियो एक्सपर्ट किया है उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद में दोस्तों जो रेशियो हम सिलेक्ट करेंगे 4 पॉइंट का, तो ये एकदम फिट बैठेगा इसमें और इस तरीके से हो जाएगा। लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से मैं बस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ऑडियो जो है सॉन्ग का। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लूँगा,
इसको कर लेते हैं नीचे आके ब्लेंडिंग, और इसको कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन होने के बाद दोस्तों इसको मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं, ऑडियो को हम म्यूट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा स्टेटस तैयार। तो दोस्तों ये स्टेटस हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके का। इंस्टाग्राम पोस्ट में आप बनाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, और इस ये आपका स्टेटस जो है तैयार हो गया। शेयर पे क्लिक करेंगे और इसको अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।